हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है पीटीटी का जो रिजल्ट है उसको लेकर आपकी खबर आ रही है। मैंने देखो कल वीडियो बनाया था, उसमें आपको साफ साफ बोला था कि जो पीटीटी का जो रिजल्ट है वो कल आ जाएगा। मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें साफ साफ बोला था, क्योंकि मैं जो भी अपडेट देता हूँ एकदम सटीक देता हूँ। पिछले 3 सालों से पीटीटी को कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको जो भी अपडेट मिलती है एकदम सटीक मिलती है। काफी चैनलों पर आपको बताया जा रहा था कि जो पीटीटी का जो रिजल्ट है वो इस वीक में नहीं आएगा, अगले वीक तक आएगा या फिर 10 तारीख तक नहीं आएगा, 10 के बाद आएगा। लेकिन मैंने आपको बोला था, थंबनेल में साफ साफ लिखा हुआ है कि पीटीटी का जो रिजल्ट है वो कल आ सकता है, और वही सेम आपकी यहाँ पे बात हुई। पीटीटी का जो रिजल्ट है वो आज आपका जारी किया जाएगा। यहाँ पे देख लो रिजल्ट का आपके कितने बजे आएगा और उसकी कट ऑफ वगैरह क्या रहेगी, सब सटीक अपडेट मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस चैनल पर आपको पीटीटी की एकदम सटीक जानकारी वो प्रोवाइड करवाई जाती है। आगे आपको कॉलेज मिलेगी, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, कैसे काउंसलिंग करवानी है, कैसे कॉलेज अलॉटमेंट होगी, क्या कुछ आपको रिपोर्टिंग करवानी है, क्या कुछ आपको करना है, सब कुछ अपडेट दूंगा। बस आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे सटीक अपडेट ही देखने को मिलेगी। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे आज की न्यूज़ है कि राजस्थान पीटीटी 2024 का रिजल्ट आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। यहाँ पे देख लो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की 9 जून को हुई पीटीटी परीक्षा का रिजल्ट 4 जुलाई 2024 को शाम 4 बजे जयपुर में स्थित वीवी के रिजल्ट सेंटर से जारी किया जाएगा। इसे डिप्टी सीएम यहाँ पे डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी हैं वो जारी करेंगे। उसके बाद देखिए विद्यार्थी स्कोर कार्ड को रोल नंबर और नाम अथवा अन्य विकल्प से जो पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पता है डिप्टी सीएम है, ठीक है, प्रेमचंद जी बेरवा, वो आपका रिजल्ट जारी करेंगे। शाम 4 बजे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और 4 जुलाई को। देखो विद्यार्थियों, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरा कल का वीडियो साफ साफ बनाया गया, उसमें मैंने साफ साफ बोला था कि पीटीटी का रिजल्ट कल आ जाएगा आपका, ठीक है, कल आपका पीटीटी का रिजल्ट आ सकता है, ये मैं बात आपको बोली थी। और काफी सारे चैनल बोल रहे थे कि पीटीटी का रिजल्ट 10 तारीख तक नहीं आएगा या फिर अगले वीक में आएगा, लेकिन मैंने साफ साफ आपको बता दिया था। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी अपडेट देता हूँ ना वो एकदम सटीक ही देता हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीटीटी को पिछले 3 सालों से कवर कर रहे हैं, पीटीटी को पिछले 3 सालों से कवर कर रहे हैं, तो एक भी गलत आपको जानकारी नहीं मिलेगी इस चैनल पे, सारी जानकारी आपको सटीक मिलेगी। आगे अब देख लो विद्यार्थियों, आपकी काउंसलिंग होगी, कॉलेज कैसे मिलेगी, रिपोर्टिंग वगैरह होगी, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखो रिजल्ट तो आपका यहाँ पे लगभग 30 तारीख तक आ जाता, लेकिन मैंने बोला था ना कि हर बार 20 दिन में आ जाता है, लेकिन इस बार 20 दिन में रिजल्ट नहीं आया। इसका मेन कारण क्या था कि 20 दिन के बाद में आपकी एग्जाम थी किसकी, जैसे 9 को एग्जाम हुआ और 20 दिन आपके 29 तारीख को कंप्लीट हो गए, और आपको पता है 30 तारीख को बीएसटीसी की एग्जाम थी, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आ पाया। लेकिन आज आपका रिजल्ट है, ये जारी कर दिया जाएगा। आपको आगे क्या कुछ करना है वो सब अपडेट आपको प्रोवाइड करूंगा। बस एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं शाम 4 बजे। क्या कट ऑफ वगैरह रहती है आप अपना रिजल्ट ये चेक कर लेना। देखो विद्यार्थियों, मैं रिजल्ट जारी होने के बाद में आऊंगा, ठीक है, रिजल्ट जारी होने के बाद में मैं आपके साथ लाइव आऊंगा, तो लगभग 5 बजे आ जाऊंगा मैं। आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, आपको मोबाइल में पीटीटी नाम सर्च कर लेना है सिर्फ, ठीक है, पीटीटी नाम सर्च कर लेना है सिर्फ। आपको क्या करना है, पीटीटी नाम सर्च करना है, वहां पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, उसमें अगर आप 2 ईयर से हो तो 2 ईयर पर क्लिक कर देना, अगर आप 4 ईयर से हो तो 4 ईयर पर क्लिक कर देना, वहां पर आप अपना जो रिजल्ट है वो देख सकते हो। और जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा उसके बाद में आपके साथ में जुड़ जाऊंगा और जो भी अपडेट है मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बने रहिए चैनल के साथ स्टडी अलर्ट पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद।